नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, जहां एक ओर कोरोना वायरस संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और उसके पालन में लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है। ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जिसके लिए दो वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान खुद को घरों में कैद किए हुए शहडोल नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2930 के लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट गहरा गया है। लोगों के घर में राशन नहीं है और ना ही जिला प्रशासन उन्हें राशन मुहैया करा रहा है। इसी को लेकर के शहडोल कांग्रेस पार्षद नेता प्रतिपक्ष इसहाक खान लोगों की मदद के लिए लॉकडाउन के दौरान आगे आकर के अर्धनग्न होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द लोगों को पात्रता पर्ची दिलाए जो खाद्य विभाग में कहीं धूल खा रही हैं। और जिला प्रशासन से उन्होंने कहा कि जो लोग घर में हैं और उनके घर में राशन नहीं है उन्हें जिला प्रशासन जल्द से जल्द राशन मुहैया कराए। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन के तहसीलदार का भी कहना है कि सर्वे कराकर लोगों को राशन मुहैया करा दिया गया है, रही बात पर्ची की तो उसको दिखवा लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। उन्होंने मुझे आधार दान की थी, मेरी ड्यूटी ये थी कि वो आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाके मुझे नगर पालिका में जमा, वो मैं संबंधित विभाग को अपने नगर पालिका को जमा कर। दो दिवस में ये आपको खाद्यान्न पर्ची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। फोन करते हैं तो मुझे पीड़ा होती है कि शायद आपको वो खाद्यान्न उपलब्ध आता है। मैं फोन लगाता हूं तो संबंधित विभाग के हमारे कर्मचारी फोन उठाना, जिससे रुष्ट होकर, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आप मेरे साथ जुड़े हैं। मैंने आज कपड़ा उतार कर अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। प्रदर्शन जिस चल रहा है आपका, किस कारण से? लॉकडाउन का एक चरण पूरा हो गया, अभी तक मेरे यहाँ पात्रता पर्ची की जो खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, जिनके पास बीपीएल के कार्ड नहीं है, उन लोगों को किसी को उपलब्ध नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये है कि अगर आने वाले समय में इसकी स्थिति यही बरकरार रही तो आने वाले समय में ये जो जनता खड़ी है ये आज भूखों मर रही है। मैं रात में इनको जाके कहाँ तक अपने और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका मैं ऋणी हूँ और बहुत बार धन्यवाद करता हूँ कि शासन की योजनाओं से अलग हटके इन लोगों ने, जो समाज सेवा हमारे करने वाले भाई हैं और जो हमारे संगठन हैं, उन लोगों ने अगर ये ना किया होता तो आज बहुत भयावह स्थिति है। तो जो पात्रता पर्ची जो आपने तैयार करी थी लिस्ट, उसका क्या है, अभी कहाँ पहुँची हो लिस्ट? पात्रता पर्ची तैयार की हुई हमने नगर पालिका को सौंप दी थी। एक प्रक्रिया होती है, हमने नगर पालिका को सौंप दी, नगर पालिका में फूड ऑफिस में भेज दिया गया है। अब वो फूड ऑफिस में डिस्कशिंग चल रहा है कि ये इसको कितने बज के कितने मिनट पर जारी करना है। और जो लगातार घोर अपराध है ये, इस विकट परिस्थिति में इन लोगों को मैंने 100 लोगों की पात्रता पर्ची लगभग सौंपी थी और अभी तक किसी को यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाना, इस चीज़ को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो अभी क्या स्थिति है आपके वार्ड के लोगों को, जिनके पात्रता पर्ची के माध्यम से अभी तक राशन उपलब्ध नहीं हुआ, क्या स्थिति है इनकी? स्थिति ये है कि इनकी स्थिति मैं भली भांति जानता हूँ। मुझसे या समाज सेवा के संस्थाओं द्वारा जो भी हो पड़ रहा, हम लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ दे नहीं पाते, उनको गोपनीय तरीके से दिलाना पड़ता है और जो भी गोपनीय तरीके से बन पड़ रहा हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य आदमी और मध्यम वर्गीय व्यक्ति कभी भी आपके सामने खड़े होके आपके पास अनाज मांगने नहीं आएगा। प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन हमारी मांगों को जब तक उच्च स्तरीय स्तर पर पहुंचाया नहीं जाता है, अगर वो हमारे अधिकारी यहाँ पे आके मुझे काम करने का अपना आश्वासन पूरी तरह नहीं देते हैं, तब तक मैं यहाँ पे बैठूँगा और मैं अपने अधिकारी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ महोदय को बता दिया हूँ। और भूख सबसे ज़रूरी है, उसकी पूर्ति अति आवश्यक है,
उसके लिए हम यहाँ पे बैठे। हम लोग इधर कोई खाने की स्थिति नहीं है, हम लोग सब भूखे प्यासे यहाँ से वहाँ हो रहे, कहीं पुलिस डंडे मार के भगा दे रही, कहाँ जाए किसके घर जाए। अगर हम लोग इधर जो मोहल्ले के नहीं होते, बड़े लोग ना होते, तो हम लोग खाना कैसे खाते। हम लोग को जो दिए बेचारे वो खा लिए बैठे। शासन ने राशन उपलब्ध कराया है? कोई कुछ नहीं दिया है। हम लोग जो मोहल्ले के जो थोड़े पैसे वाले हैं बेचारे, वो हम लोग को दिए खाने, तो हम लोग का चूल्हा जला। अब कितना हम लोग को देंगे? इतने दिन से शासन बंद कर दिए, बिना बताए तक तो लॉकडाउन कर दिए। पात्रता पर्ची बनी है जो आपकी, उसके माध्यम से मिला राशन? नहीं, कुछ नहीं मिला है। और सब परेशान है। हम मोहल्ले के बड़े ना होते तो हम लोग तो भूखे बच्चे मर जाते, हम लोग भी मर जाते भूखे। क्या नाम है आपका? सब्जी भाजी कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? शबनम बानो। पात्रता पर्ची एक दिखावा बनकर रह गई है, जो कि नगर पालिका में जमा की गई पात्रता पर्ची हमारे वार्ड के सभी लोगों ने जाकर जमा किया है, जिस पे नगर पालिका ने कोई अभी तक ना एक्शन लिया है ना ध्यान दिया है। यहाँ के लोग डेली जा रहे हैं नगर पालिका से SDM कार्यालय, SDM कार्यालय से राशन दुकान, और वहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। कोई भी उनको जवाब नहीं मिल रहा, ना ही उनको कोई सुविधा मिल रही है। और लोगों के पास ये स्थिति बनकर रह गई है कि वो घर से तो निकल पा नहीं रहे हैं। डेली कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, और उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई पैसा मुहैया हो रहा है, ना कोई गल्ला मुहैया करा रहे हैं। और यहाँ के लोग की ये स्थिति बन गई है कि चूल्हा बंद करने की नौबत आ गई है इस वार्ड में। लगातार हमारे पार्षद महोदय जी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। नाम बताइए अपना। शाहिन खान, महिला का नंबर 28-29 के पार्षद साहब खान का ये विरोध था कि इनके वार्ड के वासियों को अभी तक राशन मुहैया नहीं कराया गया, पात्रता पर्ची जिनको दिया गया। एक्चुअली क्या है, जो राशन की पात्रता पर्ची है वो तो मैंने अभी राशन दुकानदार को बुला के भी पूछा, फूड कंट्रोलर भी आए यहाँ पे और संबंधित फूड इंस्पेक्टर भी हैं, इनसे पूछा तो पात्रता पर्ची जो इशू है वो तो सब उनको मिल चुका है। अभी जो एक हमारे कलेक्टर साहब ने एक ये नीडली पर्संस का सर्वे करवाया है, जो BPL से या जो अपने वो 25 उसमें कवर होते हैं पॉइंटों में, उससे हट करके जो व्यक्ति हैं और नीडली पर्संस हैं जिनको राशन की ज़रूरत है इस लॉकडाउन के अवधि में, तो ऐसा सर्वे करवाया गया है वार्ड प्रभारी के माध्यम से, CMO के माध्यम से, और हमारा जो इधर का सेक्टर प्रभारी है उसने भी उसको सत्यापित किया है। वो सूची में इस वार्ड में 98% हैं जिनको खाद्यान्न देना है। वो कल सूची तैयार होकर के नगर पालिका से फूड कंट्रोलर को मिली है। फूड कंट्रोलर से मैंने बात किया, उनने कहा कि मैं कल तक राशन उपलब्ध करा दूंगा, इसके बाद ये CMO पात्रता पर्ची जारी कर देंगे उनकी, और कल से ही भुगतान चालू हो जाएगा। नगर के अन्य वार्डों में भी लगभग यही समस्या है, उसके लिए क्या कदम उठाएं? अन्य वार्डों में भी हर जगह यही व्यवस्था लागू है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।